नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे एक और फ्रेश वीडियो में। और मैं हूं फिलहाल दुबई मॉल में। यहां पे मेरे पीछे है बुर्ज खलीफा एट द टॉप की एंट्रेंस। मैं आपको आज देने वाला हूं कंप्लीट फर्स्ट पर्सन व्यू कि अगर आप कभी यहां पे प्लान करते हैं अपने विजिट तो क्या कंप्लीट प्रोसेस है। यहां पे हम जाने वाले हैं 148th फ्लोर पे, 125th फ्लोर पे, 124th फ्लोर पे। आपको सिक्योरिटी चेक से लेके एलिवेटर से लेके जो भी सारे व्यूज है वो मैं दिखाने वाला हूं। और मेरे पीछे आपको मिलेगी यहां पे है ये एंट्रेंस। तो आइए देखते हैं, आपको दिखाते हैं कंप्लीट प्रोसेस कि क्या है एक्सपीरियंस बुर्ज खलीफा का। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये है मेरे पास में मेरी टिकट, और टिकट जो है उसका टाइम है 2 बजे का। सामने है टिकट काउंटर, तो चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कंप्लीट व्यू क्या है। तो ये हम आए और यहाँ पे आने के बाद में इधर हम आए टिकट्स के साथ में, और ये हैं हमारे टिकट्स। यहाँ से ये इधर एंट्रेंस है, तो यहाँ से अंदर जाने वाले हैं। और ये कंप्लीट डिज़ाइन आप देख लो, नीचे जो आपको मिलता है मिनीचर फॉर्म में। तो ये आ गई है दोस्तों टिकट, और ये है सामने एंट्रेंस। तो चलो लेट्स गो। ओके, और ये है लाउंज। यहाँ पे हम वेट करते हैं, और वेट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं हूँ अभी लाउंज में, वेट कर रहा हूँ अपने टाइम का जो कि है 2 बजे। और यहाँ पे ये कंप्लीट लाउंज है, और अभी आपको दिखाता हूँ आगे चल के क्या प्रोसेस है, सिक्योरिटी चेक, एलिवेटर्स वगैरह जो भी है कंप्लीट आपको पूरा एक व्यू मिलेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो एक मैंडेटरी चीज़ है। आगे इस वीडियो में बढ़ने से पहले, काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है तो एकदम तैयार हो जाओ। और आपको बहुत ये कमाल का व्यू देने वाला हूँ मैं बुर्ज खलीफा की कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। ये है मेरी टिकट, जो टाइम है वो है 2 बजे का। तो लेट्स सी दोस्तों। ये है आपके लिए एक छोटा सा क्विक फैक्ट कि अगर आप 1 लाख एलिफेंट्स को टोटल वेट को ऐड करेंगे तो वो जो है इतनी कंक्रीट बेसिकली काम में ली गई है इस बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन में। और मैं फिलहाल वेट ही कर रहा हूँ सामने मेरी टर्न आने का। टाइम हो गया दोस्तों 2 बजने का, 2 बज चुके हैं और बस अभी टाइम शुरू। और चलो देखते हैं आगे कैसी ट्रिप है, मैं आपको दिखाता हूँ कंप्लीट एक्सपीरियंस। ये है बुर्ज खलीफा का एक मिनिएचर वर्जन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। एंड सामने है सिक्योरिटी चेक, क्लॉक 14:04, ये है हमारी क्यू। और यहाँ पे आपको दिखती है टाइम लाइन की कैसे बना और क्या पूरी डिटेल्स हैं। तो ये है, और ये एक कंपेरिजन चार्ट हाइट के लिए और बहुत सारी बिल्डिंग्स के साथ में। और सामने क्यू रश ज़्यादा नहीं है, टाइम भी अभी एकदम फिक्स है। तो ये बेसिकली एंट्रेंस था, इस तरफ वो हॉल था, यहाँ से हम निकल के आए। ये एक बार वापस से छोटा वर्जन, और आपको दिखाता हूँ आगे इस वीडियो में और डिटेल्स। दोस्तों यहाँ पे ये हैं वर्ल्ड की कुछ बहुत सारी सारी जो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ पे बुर्ज खलीफा है, आप इसको देखोगे तो इसके बारे में डिटेल्स हैं कि क्या इसकी हाइट है, कब कम्प्लीट हुआ, क्या यहाँ पे इसके यूजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सामने ये दूसरी कोई बिल्डिंग है, आप चेक कर सकते हैं शंघाई का जो वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर है। ये ताइपाई जो बिल्डिंग है वो है। उसके अलावा सामने है बुर्ज अल अरब, तो इसको आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली सारा इसका आपको कंपैरिजन के लिए दिखाया गया है कि जो हाइट है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और सामने वापस से वही एक इंटरेक्टिव डिस्प्ले। काफ़ी डार्क है लेकिन सिक्योरिटी डन। और अभी नेक्स्ट, तो ये है कंप्लीट पैसेज। चलते जाओ। बहुत लंबा रास्ता एक्चुअली अंदर राइट लेफ्ट करते करते आपको ऊपर तक जाने का मैं दिखाऊंगा आगे। और ऊपर यहाँ पे आपको इंटरेक्टिव स्क्रीन्स मिल रहे हैं जहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको दुबई के कल्चरल वैल्यूज़ जो है वो देखने को मिलेंगे यूएई की। और सामने ये कंप्लीट रास्ता है, आप चलते जाओ। और पीछे की तरफ वहाँ से हम आए थे, वो था पीछे सिक्योरिटी पॉइंट, वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी। तो ये आगे है और हम बस आगे चलते जा रहे हैं। वापस से चलते जाओ। बहुत लंबा पैसेज है, साइड में आपको कुछ हाइलाइट्स दिखती हैं कि कब बना, कैसे स्टार्ट हुआ कंस्ट्रक्शन, और टाइमलाइन जो है 2005 में फ़ोटो कैसी थी, 2006 में कितना बन गया, उसके बाद में 2007 में यहाँ पे कितना बन गया था, और फिर 2008 में, 7 में, और फिर फाइनली जो इसकी ओपनिंग हो गई थी। सामने हमको चलते जाना है और आपको दिखाता हूँ बाद में एलिवेटर्स। और साइड में यहाँ पे भी आपको इसके डिज़ाइन का कुछ जो है स्नैपशॉट्स वो देखने को मिलते हैं। It took only 6 years to build this superstructure. In hours, it was 22 million man-hours. Burj Khalifa is now 828 meters with 200 stories and 116 helicopter levels. Let's look inside. Okay.
ओके, वापस से चलना शुरू, वापस से दौड़ना शुरू। बीच में एक क्विक इंट्रोडक्शन सेशन के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और सामने आपको अभी सीधा एलिवेटर्स तक ही पहुंचना होगा। आई थिंक बीच में कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, चलो 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 और चलते रहो अंदर अंदर अंदर, उसके बाद में आपको मिलेगा ऊपर का एक्सपीरियंस और वर्ल्ड फास्टेस्ट एलिवेटर्स भी। और क्विक टिकट चेक, और ये लाइव इंस्टाग्राम फीड है शायद, जो हैशटैग यूज़ किया है ना, बुर्ज खलीफा। और फाइनली सामने हमको वेट करना है एलिवेटर्स के लिए। तो ये जो हम नंबर्स देख रहे हैं बाहर एलिवेटर्स के डोर्स पे, ये रियल टाइम फीड है कि अभी फिलहाल कौन से फ्लोर पे है। 87, 86, 85, 84, मतलब आप जितना रिवर्स काउंट करेंगे उतने में तो कंप्लीट नीचे आ जाएगा। ये जो है ये है 123rd, 124th, दूसरा भी ऊपर जा रहा है। और इन तीनों में से बेसिकली तीन एलिवेटर्स हैं, इन तीनों में से किसी एक में हम जाने वाले हैं ऊपर। और यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो वर्ल्ड फास्टेस्ट एलिवेटर्स हैं, जो इसका टाइम लगता है कुछ 60 सेकंड्स का टाइम है, लेस देन अ मिनट आप पहुँच जाएंगे 124th या फिर 125th फ्लोर पे। और आपको भी आगे का मैं व्यू दिखाता हूँ। ये भी नहीं जाना स्टार्ट हो गया है, और हमको अभी इस वाले के अंदर जाना है। डबल में जाएंगे, ओके वो फुल, उसके बाद में हम जाएंगे इस वाले में। ये जो नेक्स्ट वाला है ये नीचे आएगा, उसके बाद में जाएंगे। और जो डिस्टेंस है वो देखेंगे कितना फास्ट जो मीटर्स हैं वो कम हो रहे हैं, 160, 150, 140, 130, तो हम इसमें जाने वाले हैं अभी। On the high season, when it's like New Year, yeah. We have around 13,000, but only for the observation. ये दोस्तों हम जो देख रहे हैं ये अभी 4th, 5th, 6th, ये बेसिकली फ्लोर्स पास हो रहे हैं, और बहुत फास्ट जो है बेसिकली वर्ल्ड फास्टेस्ट एलिवेटर जो है वो ये है, और हम जाने वाले हैं 148। आपको कई बार एयर प्रेशर जो है वो कानों में फील होगा, जैसे कि आपको एयरक्राफ्ट में होता है अक्सर, क्योंकि इतना फास्ट आप ऊपर जा रहे हैं तो जो एयर प्रेशर डिफरेंस है उसकी वजह से आपको कानों में कुछ हल्का सा फील हो सकता है सेंसेशन। लेकिन फिलहाल अभी आ गया है 89, 90, 100, एंड देन उसके बाद में 148 पे हम रुक जाएंगे। तो ये है इसका कंप्लीट एलिवेटर, और साइड में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यू मिलता है, मतलब स्पेशल म्यूजिक। तो लेवल 124 के बाद में अभी हम एलिवेटर चेंज करते हैं और अभी हम जाते हैं 148 पे, और वो है इस साइड से स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, एंड देन वापस से एक बार और कुछ 24 फ्लोर्स ऊपर। यहाँ पे अगर आप विजिट करेंगे तो ये जो एलिवेटर है ये ऑलमोस्ट वंस इन लाइफ टाइम वाली बात है, बिकॉज इतना फास्ट आप कभी ऊपर जाएंगे नहीं, लेस देन अ मिनट, और आप आ जाएंगे 124th फ्लोर पे। और ये पीछे जो एलिवेटर्स हैं हम इनमें से किसी में जाने वाले हैं ऊपर, और बेसिकली ये तो कुछ नॉर्मल पैसेजेस हैं, इसके अलावा स्पेशल नहीं है। ऊपर जाते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलो तो यहाँ से अभी वापस से काउंट डाउन स्टार्ट। यहाँ पे हम जाते हैं वापस से 148। और टाइम हो गया है 2:23, ऊपर कुछ आधा घंटा हम स्पेंड करेंगे, बाद में वापस नीचे आ जाएंगे इसी रास्ते से। और ये आ गया है 148, और ऊपर जा नहीं सकते एक्चुअली, अलाउड नहीं है मुझे इस टिकट में। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद में लेवल 148 पे पीछे इस एलिवेटर से बाहर आपको जो सबसे पहली चीज़ मिलती है वो है ये लाउंज। यहाँ पे आप बैठ के अपना आराम से टाइम स्पेंड कुछ कर सकते हैं, आप यहाँ पे फूड और ड्रिंक्स को भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अभी रमज़ान है तो वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। थोड़ा छोटा है साइज़ में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप है वो कुछ 30 लोगों के आसपास का ही होगा, तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, अब आराम से आपको मौका मिलेगा। आप आधे घंटे 45 मिनट तक जो अपना कंप्लीट टाइम है वो इस लेवल पर स्पेंड करने के बाद में नीचे जाएंगे लेवल 125 और 124 पे। और मेरे पीछे यहाँ पे बहुत ही कमाल की चीज़ है कि ये जो है
है, ये है दोस्तों वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन डेक जो कि है 555.7 मीटर्स की हाइट पे। एक्चुअली पहले नहीं था, स्टार्टिंग में जब नया बुर्ज खलीफा स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे सिर्फ लेवल 124 और 125 ही थे, लेकिन इसको बाद में शायद कुछ 3 साल पहले ऐड किया। और उसके अलावा ये है दोस्तों पीछे कंप्लीट लाउंज, और अब मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट पर्सन व्यू से कि ये जो पीछे आपको मिलती है ना विंडोज़, यहाँ से बाहर देखने का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है और आपको किस कोने में क्या चीज़ दिखती है। तो मैं अभी कैमरा करता हूँ स्विच और हम आगे बढ़ते हैं चारों तरफ के नज़ारे को देखने के लिए। दोस्तों इन एलिवेटर से आप बाहर निकल के आ जाएंगे लेवल 148 पे। ये है सामने लाउंज, लाउंज के यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ सोफ़ाज़ जहाँ से आप बाहर का नज़ारा एंजॉय करेंगे। और ये है एक सर्टिफिकेट जो मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले। इसके अलावा इसके दूसरी तरफ में क्या है ग्लास विंडोज़ में आपको वो दिखाता हूँ कि क्या कंप्लीट डिटेल्स हैं। यहाँ पे आपको ऊपर मिलेगा स्काई बुटीक, लेकिन वो अभी हमारे लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है बिकॉज़ रमज़ान चल रहा है। और सामने चलने के बाद में आपको यहाँ पे बाहर का व्यू क्या है कंप्लीट फर्स्ट पर्सन में वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपको सबसे पहला जो सेक्शन मिलेगा वो कुछ ऐसा है, और नीचे आपको दिखता है सामने जो लेक है दुबई मॉल लेक, यहाँ पे आपको मिलेंगे वर्ल्ड्स हाईएस्ट टॉलेस्ट म्यूजिकल फाउंटेन्स। उसके अलावा ये जो एरिया है ये है डाउनटाउन दुबई। उसके अलावा साइड में दोस्तों ये जो बिल्डिंग है ये है द एड्रेस डाउनटाउन। उसके अलावा सामने जो ये लेक या कैनाल जो आप देख रहे हैं जो नदी जैसे दिख रही है आपको, ये कम्प्लीटली आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, इतना डीप पहले नहीं था। और यहाँ पे इसको खोद खोद के पूरा आगे निकाल के यहाँ से और सी में मर्ज कर दिया, वो मैं आपको दिखाता हूँ बाद में बेसिकली। तो ये है कम्प्लीट सिनेरियो इस तरफ से, और सामने आपको कुछ कुछ और दूर दूर बिल्डिंग्स दिख रही हैं। ये जो सेक्शन है, ये जो बिल्डिंग है बेसिकली, ये है द मैदान रेस कोर्स जो कि है वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट रेस कोर्स। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये है बिजनेस पे बेसिकली। और ये जो नीचे आपको कर्व दिख रहा है रोड में, जो यहाँ से स्टार्ट होकर रोड जा रही है बेसिकली और जो घूम के यहाँ तक जा रही है चारों तरफ बेसिकली, इस तरफ भी है, तो ये है शेख राशिद बुलवार्ड। और उसके अलावा नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये है दुबई ओपरा, ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है सामने उसी की पार्किंग है। उसके अलावा ये जो आपको नीचे सेक्शन दिख रहा है ना ये वाला, ये भी बुर्ज खलीफा का ही हिस्सा है। ये हो सकता है कुछ 6-7-10 फ्लोर नीचे का कुछ सेक्शन होगा। तो इसके जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आपको कहीं कहीं पे बाहर ऐसे निकले हुए स्पॉट्स मिलते हैं, कहीं कहीं पे नहीं मिलेंगे। और अदरवाइज़ ये है कंप्लीट डिटेल्स इसकी। और उसके अलावा सामने आपको लगता है कि दुबई जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। आपको इसके आगे भी दूर दूर तक बहुत सारी कम्युनिटीज़ देखने को मिलेंगी जो काफ़ी दूर हैं, जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कुछ जगह हो सकता है 10-15 किलोमीटर दूर तक मैं देख रहा हूँ यहाँ से अभी। तो ये है कंप्लीट उनकी डिटेल्स। और उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से वो है सामने ये। तो ये है सामने बुर्ज अल अरब जो है वर्ल्ड्स थर्ड टॉलेस्ट होटल, और ये है द ओनली 7 स्टार। उसके बाद में यहाँ पे ये जो आपको दो बिल्डिंग्स दिख रही हैं जैसे दिखने में, ये है JW मैरियट मार्की जो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट होटल है अभी। और उसके बाद में यही वो कनाल है जो यहाँ से शुरू होते 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 और सामने आगे सी में मिल गई है, वो व्यू भी आपको दिखाता हूँ बाद में। ये जो इधर रोड है ये है शेख जायद रोड, और ये शेख जायद रोड के ऊपर जो ये ब्रिज दिख रहा है पहले कनाल के ऊपर, तो ये सीधी रोड होती थी लेकिन इसको बाद में नीचे से खोद के निकाला कनाल को और रोड के ऊपर से ब्रिज बना दिया। यहाँ पे आगे जो आपको ये क्लस्टर दिख रहा है बिल्डिंग्स का, ये है यहाँ पे दुबई मरीना, उसके अलावा JLT यानी कि जुमेरा लेक टावर्स, उसके अलावा JBR यानी कि जुमेरा बीच रेजिडेंसेस, और सामने दुबई आगे बहुत दूर दूर तक और ज़्यादा है। और यहाँ पे ये जो क्लस्टर है ये है पाम आइलैंड का। तो आपको एक दिन सबका टूर मिलेगा, एक एक करके मैं आपको सभी चीज़ें दिखाऊंगा। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी वीकली बेसिस पे। अब आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि और क्या सीन है यहाँ से। तो इधर से आगे आने के बाद में, आगे चलने के बाद में चलते 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 फाइनली आपको जो व्यू मिलेगा वो यहाँ से। चलो ओके, तो ये जो व्यू है वो कुछ ऐसा है, और रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये जो सामने एरिया है ये है जुमेरा। उसके अलावा ये पानी में कुछ ज़्यादा स्ट्रक्चर बन रहा है। उसके अलावा ये जो लेक है वो फाइनली यहाँ से मिलके यहाँ पे पानी में मिल चुकी है वापस। तो टेक्निकली हम एक अभी आइलैंड पे हैं जो काफ़ी बड़ा आइलैंड है, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ब्रिजेस देखने को मिलते हैं। जो एक ब्रिज तो लास्ट में है, उसके अलावा एक ये ब्रिज है, उसके अलावा एक ये ब्रिज है, उसके अलावा एक ये ब्रिज है, फिर एक ये ब्रिज है, और फिर एक ये ब्रिज है। तो ये है दुबई कनाल, और यहाँ से इधर अगर हम चलते रहते हैं तो आगे 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 चल सकते हैं, और नीचे आपको चारों तरफ का वही नज़ारा मिलता है। ये जो है ये है शेख जायद रोड। मैं आपको ये जो सेक्शन है वो उस तरफ बैठ के दिखाता हूँ ताकि आप आराम से देख पाएँ, वरना इधर से आपके लिए काफ़ी जो है वो हड़बड़ी वाला होगा। लेकिन आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये जो है ये है दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन। तो बेसिकली ये जो आपको लाइन दिख रही है बीच में, ये वाली, ये लाइन,
ये जो है ना ये दुबई मेट्रो की लाइन है और ये आता है दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से जो आपको ये रास्ता बाहर निकलता दिख रहा है जो एक सेक्शन चलता जा रहा है, तो ये है दुबई मॉल मेट्रो लिंक, जहाँ से आप मेट्रो से अगर आते हैं तो चलते 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 दुबई मॉल तक पहुँच सकते हैं। ये सामने एक नया होटल बन रहा है, एक और एड्रेस, और उसके अलावा कम्प्लीट सेक्शन सामने जो एरिया है वो है जुमेरा, और सामने आपको पानी में स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। वो जो स्ट्रक्चर है पानी में सामने ये वाला, यहाँ पे ये जो आगे वाला है ये है बेसिकली द वर्ल्ड आइलैंड्स, और उसके बाद में नीचे ये जो है ये काफ़ी कमाल का फ्लाईओवर है, ये आपको दिखाता हूँ दूसरी तरफ से। तो बेसिकली आप एक तरफ से निकलेंगे और यहाँ से आप वापस उसी लाउंज में अंदर एंटर कर जाते हैं, तो यहाँ से अगर आप आएंगे तो वापस से वही सेम वही लाउंज, और यहाँ से चलने के बाद में मैं आपको बैठ के कंप्लीट व्यू देता हूँ, तो आप इसमें से एक सोफे पे बैठ जाता हूँ। ओके, तो ये आपको व्यू मिलता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको और बहुत सारी बिल्डिंग्स मिलेंगी। नीचे जो है ये है काफ़ी कमाल का फ्लाईओवर, जो कि है दुबई मॉल फ्लाईओवर, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी बड़ा है, और जो गाड़ियों का साइज़ है वो आप देख ही सकते हैं कि आपको कितनी छोटी मिल रही है, बिकॉज़ हम ऑलमोस्ट अभी 550 मीटर्स की हाइट पे हैं। और नीचे वही जो ये लिंक था मेट्रो वाला, वो चलते 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 फाइनली यहाँ से दुबई मॉल में एंटर हो जाता है। और ये जो है इधर सेक्शन ये है दुबई मॉल का, यहाँ से अगर आप देखेंगे कुछ यूँ तो ये है नीचे इधर दुबई मॉल पूरा का पूरा। मैं आपको उस तरफ से दोबारा और दिखाऊँगा। सामने ये जो होटल है ये है द एड्रेस दुबई मॉल, ये सामने एक और नया एड्रेस बना है। उसके अलावा ये जो आपको बिल्डिंग्स दिखने को मिल रही हैं ये आपने बहुत बार देखा होगा, और ये जो रोड है ये है शेख जायद रोड, जो कि सबसे पॉपुलर रोड है, जो बेसिकली आगे यहाँ कहीं से शुरू होती है और वो जाती है आगे तक। यहाँ पर अगर आपसे बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की, तो ये जो आप दिख रहे हैं बिल्डिंग जिसके ऊपर आपको गोला दिख रहा है, ये जो है ये है रोज़ रियान बाय रुटाना, जो कि सेकेंड टॉलेस्ट होटल है। तो फर्स्ट टॉलेस्ट आपको मैंने दिखा दिया पीछे, सेकेंड टॉलेस्ट जो है वो ये है, और जो थर्ड टॉलेस्ट है वो है बुर्ज अल अरब। उसके अलावा सामने आपने ये बिल्डिंग्स बहुत बार देखी होंगी दोनों, तो ये हैं एमिरेट्स टावर्स। उसके अलावा सामने नीचे यहाँ पे है DIFC, यानी कि दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। सामने एक और बिल्डिंग है, सामने एक और जो ये गोला दिख रहा है, तो ये है एतिसलात का हेड ऑफिस। उसके अलावा सामने बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं टेढ़ी मेढ़ी तरह तरह की। ये जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है, ये एक होटल है जो है दूसित थानी, और उसके अलावा नीचे एकदम हरा भरा दुबई आपको देखने को मिल रहा है। ये जो छह बिल्डिंग्स हैं नीचे यहाँ पे, तीन इधर और तीन इस तरफ, ये वाली तीन और सामने ये वाली तीन, ये है MR स्क्वायर, जहाँ पे आपको मिलेंगे ऑफिसेज तरह तरह के, और ये है सामने कंप्लीट नज़ारा। और एक और इंटरेस्टिंग बात, ये जो आपको दूर बिल्डिंग्स मिल रही हैं ये वाली, ये जो है बेसिकली ये शारजा है, तो दुबई जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और ये जो सामने सारी बिल्डिंग्स हैं सारी बिल्डिंग्स शारजा में हैं, और यहाँ पे ये जो बिल्डिंग्स हैं ये पूरी दुबई में है, तो वो दुबई दुबई दुबई। और बीच में आपको वो पानी वाला दिख रहा है सेक्शन, जो पानी यहाँ से एंटर होके आ रहा है कहीं से, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार दोबारा। यहाँ से पानी बेसिकली अंदर आ रहा है, और ये पानी 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 चल के आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा पानी। तो ये जो पानी है ना वो वही पानी है जो पीछे से पूरा घूम के हमारे चारों तरफ से निकल रहा है। तो ये है सीन, नीचे ट्रैफिक है इतना ज़्यादा नहीं है हालांकि यहाँ पे। ओके, सिग्नल पे गाड़ियाँ रुकी हैं, देख सकते हैं जो ऊपर जिनकी येलो और रेड रूफ़ है, जो ब्लू रूफ़ है वो है सारी टैक्सीज, बाकी हैं सारी नॉर्मल गाड़ियाँ। और मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के कुछ और जो नज़ारा है वो कैसा है। तो यहाँ से उठने के बाद में आप इधर से आगे भी आते हैं अगर, तो ये आगे आने के बाद में जो सीन है वो कुछ ऐसा है कि वो जो मैं आपसे पानी वाली की बात कर रहा था सेक्शन की, वो पानी वाला सेक्शन वो था जो इधर से आया यहाँ तक गया, और फिर फाइनली पीछे से घूम के वापस से पानी में ही मिल गया। और यहाँ पे दोस्तों ये जो है ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है सामने, ये जो आप देख रहे हैं कंप्लीट जो ग्रीन सेक्शन है ये है जबील, इसको हम बोलते हैं एरिया को, और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर कंप्लीट, ये पूरा का पूरा ये है पैलेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम का, जो दुबई के किंग हैं। उसके अलावा एक जो पैलेस है वो रोड के इस तरफ भी है, तो ये एक और पैलेस है, एक पैलेस इधर है, और ये आपको मिल रहा है कंप्लीट एरिया चारों तरफ से ऊपर से व्यू। और नीचे यहाँ पे ये है पूरा का पूरा दुबई मॉल, और बेसिकली बुर्ज खलीफा की जो शैडो है वो आप यहीं से देख सकते हैं, और काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है यार, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉल है, और यहाँ पे इसका भी एक्सटेंशन जो है उसका काम चल रहा है। तो ये दुबई मॉल का जो एक्सटेंशन है वो अभी और आगे एक्सटेंड हो रहा है, उसका काम चल रहा है, पहले इतना ही था लेकिन ये जो कम्प्लीट है नीचे ये एक्सटेंशन है उसका। और ये है पूरा का पूरा सीन, अगर मैं वापस से दिखाता हूँ तो वापस से आते हैं सामने हम हमारे लाउंज में, और लाउंज के अलावा वापस से वही सर्टिफिकेट, जहाँ पे आपको एक बार दोबारा से मैं दिखाऊंगा।
तो आप एंजॉय कर सकते हैं कि ये 555.7 meters पे हम हैं, जहाँ से आपको मिल रहा है ये सारा नज़ारा। सोचा है मैंने कि आपको हफ्ते में एक दिन दुबई का एक अट्रैक्शन दिखाता हूँ, जिसके बाद में आप आराम से एंजॉय कर पाएंगे, जान पाएंगे उस चीज़ के बारे में कि अगर आप कभी घूमने आते हैं तो आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। अब चलते हैं नीचे लेवल 125 पे और वहाँ से देखते हैं कि जो व्यू है वो कैसा है। बेसिकली ये जो कम्प्लीट सीन है वो तो आप एंजॉय कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आ गया हूँ वापस से एलिवेटर में और अभी हम जाएंगे नीचे। 148 से हम जाने वाले हैं 125th और 125th पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है कंप्लीट सीन। इधर तो गिनती इतनी फास्ट नहीं है, ऑलमोस्ट लाइक ओके है, बिकॉज हालांकि यहाँ पे बहुत सारे एलिवेटर्स हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पूरी बिल्डिंग में कितने 2-4-5 हैं, कुछ 70-80 एलिवेटर्स हैं कंप्लीट पूरी बिल्डिंग में, और जिसमें से जो एक है वो तो वर्ल्ड फास्टेस्ट है। यहाँ पे बहुत सारे फ्लोर्स हैं लेकिन मैं सिर्फ एक पे जा सकता हूँ, बिकॉज बीच में अलग अलग हैं, ऑफिसेज भी हैं यहाँ पे, होटल अरमानी भी है, उसके अलावा रेजिडेंसीज वगैरह भी हैं, और मैं यहाँ पे आ गया हूँ लेवल 125। ये है कंप्लीट चारों तरफ का नज़ारा। बाहर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन मिलेगा। तो ये एलिवेटर से बाहर आने के बाद में, यहाँ से आप जब चल के जाएंगे बेसिकली फर्स्ट पर्सन व्यू क्या है वो कुछ ऐसा ही है, और यहाँ से बाहर आने के बाद में आपको वापस से एक बार वही चारों तरफ का व्यू, चारों तरफ की डेक, कुछ फोटो सेशंस के लिए आपके पास में ऑप्शन हैं, अगर आप चाहें तो फोटो क्लिक करवा सकते हैं, मुझे करवानी नहीं है। और यहाँ से आप घूमेंगे तो आप वापस से वही व्यूज़ जो हैं वो एंजॉय कर पाएंगे, हालांकि वो तो नहीं, वो काफ़ी ऊपर था, यहाँ से अभी हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं। ये है नीचे लेवल 124, जहाँ से आपको मिलेगी काफ़ी सारी एक ओपन ऑब्जर्वेशन डेक जो बहुत बड़ी है, उसके अलावा 125th जो है इसमें आपको चारों तरफ जो है वो ग्लास सेक्शन ही मिल रहा है। तो यहाँ से वापस से वही चीज़, इधर आओगे तो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। यहाँ से स्टेयर्स हैं जो नीचे जाती हैं लेवल 124 पे, बस एक ही फ्लोर नीचे है, और उसके बाद में यहाँ पे वापस से वही सीन, नीचे आपको वही मिलता है ओपन सेक्शन जहाँ पे लोग जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं व्यू को, लेकिन हमने ऑलरेडी बहुत ऊपर से कर लिया है। और सामने अगर आप आओगे ऊपर तो आपको मिलेगा कि सुविनियर शॉप्स, जहाँ पे आप दुबई वाले कुछ सुविनियर्स परचेज कर सकते हैं। साइट में आपको वापस से वही सीन है जो हमने ऊपर से एंजॉय कर ही लिया है, और यहाँ पे आप कॉइन पे अपना जो नाम है वो प्रिंट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो है ये है दुबई की कंप्लीट सुविनियर शॉप्स, और सामने ये बहुत ही कमाल का व्यू मिलता है आपको, जो एक ईगल आई व्यू इसको बोलते हैं, तो ये बेसिकली एक वो है, तो फाल्कन आई व्यू आपको मिलेगा यहाँ पे, कि अगर आप दुबई के ऊपर उड़ रहे हैं तो आपको कैसा सीन मिलेगा। तो ये है व्यू जो गूगल मैप्स ही है बेसिकली, तो गूगल मैप्स का आपको एक इंटरेस्टिंग वर्जन मिलता है कि आप ऊपर से अगर उड़ते हैं दुबई के तो आपको कैसा सीन मिलता है। उसके अलावा वापस से साइड में सामने वही क्लीन विंडोज़, वही नज़ारा, और ये देखो हम कहाँ पे हैं। और ये जो आपको दिख रही है लाइट्स, ये वो LEDs हैं जो शो के टाइम पे ऑन ऑफ होती है ना, तो ये बहुत सारी इनकी वायरिंग हुई पड़ी है पूरी की पूरी। और ये नीचे वो है फाउंटेन सेक्शन, और साइड में इधर भी दुबई मॉल ही है, तो ये पूरा का पूरा दुबई मॉल है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। वापस से वही सेक्शन, और लगता है ना हम काफ़ी नीचे आ गए हैं क्योंकि हमने उसको काफ़ी ऊपर से देख लिया है पहले ही। और ये देखो अगर आप, तो नीचे आपको एंड तक ग्लास ही मिल रहा है, तो अगर आप चलते हुए जा रहे हो यहाँ से और चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो इधर, और चलते चलते अचानक से आपको लगे कि आप यहाँ से नीचे आ गए हो यूँ, तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और वापस से वही व्यू है, वही सारी बिल्डिंग्स जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ, और आगे चल के आपको दिखाऊंगा एक एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग। और सामने एक जो आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए सिस्टम, ये बहुत ही कमाल का है, जो बाइनोकुलर्स हैं, एक इधर है, ऐसे और बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे आपको चल के दिखाता हूँ कि जो रियल टाइम व्यू है वो हम सीधा यहीं पे एंजॉय करेंगे। तो ये है इसका स्क्रीन, ओके, इसमें तो रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, इसको टच किया, टच करने के बाद में हम करते हैं लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश के बाद में जो सीन है वो है, देखो चार ऑप्शंस मिलते हैं, एक है लाइव कैमरा, एक है एक स्टैटिक फोटो जो दिन के टाइम पे ली हुई है, एक रात के टाइम की फ़ोटो है, और एक हिस्टोरिकल है कि पहले वो चीज़ कैसी थी। तो एक बार हम पहले सबसे पहले लाइव देखते हैं, तो ये आ गया हमारे सामने लाइव कैमरा। अब यहाँ पे हमारे पास में कंट्रोल है, और आप इसको यूँ पूरा घुमा के और जूम करके देख सकते हैं, आपके पास में यहाँ पे जो ऑप्शन है वो जूम का है, तो फॉर एग्जांपल आपको अगर वो पॉइंट देखना है तो ये आप लाइव जो है वो सामने देख पा रहे हैं, जो आपको इस विंडो से बाहर मिल रहा है आप उसी का लाइव यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये एक सेक्शन है, उसके अलावा आप इमेजिन करो कि आपको देखना था एक क्लियर डे की फ़ोटो, तो क्लियर डे की फ़ोटो आपको यहाँ से कैसी मिलेगी, तो वो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, आप उसको इवन जूम भी कर सकते हैं। तो ये एक दिन की फ़ोटो है, और कितना कमाल का जूम है, आप इमेजिन करो कि ये फ़ोटो कितने मेगापिक्सल की होगी, कितनी सारी फ़ोटोज़ को स्टिच करके ये बनाया होगा। उसके बाद में रात का जो व्यू है वो कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये है रात का व्यू, यहाँ पे आप चारों तरफ का जो व्यू है वो एंजॉय कर सकते हैं। और उसके अलावा जो पुराना था, तो पुराना यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक रोड थी और रेत था। और ये देखो पहले का क्या था, ये हिस्टोरिकल फ़ोटो है, तो यहाँ पे सामने कुछ घर होते थे, और उसके अलावा ये केवल एक सड़क थी और कुछ भी नहीं था।
तो ये है कंप्लीट सीन। हालांकि इसमें रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप यहाँ पे ऊपर आते हैं तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा सामने वही सुवेनियर शॉप्स हैं बहुत सारी और फाल्कन वाला व्यू। इधर अगर आएंगे तो आपको इधर मिलेगा कुछ और इंटरेस्टिंग सीन, जहाँ पे आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं आराम से। और रिलैक्स करने के अलावा यहाँ पे वापस से वही ग्लास सेक्शन, और नीचे के लिए वापस से वही कमाल का नज़ारा। तो ये है दोस्तों कंप्लीट सीन। आगे नीचे चलते हैं लेवल 124 पे, आपको वो भी दिखाता हूँ कि वो क्या सीन है। आई थिंक ये आपको तो पसंद आ रहा है काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। और ये देखो यहाँ से एक बार इस फ्लाईओवर को देख के लगता है एकदम मेसमराइजिंग कि कैसे गाड़ियाँ कितनी सारी कहाँ से आ रही हैं, कहाँ पे जा रही हैं। और ये है कंप्लीट सीन, और सामने वापस से वही स्ट्रक्चर। हम बेसिकली यहाँ पे चारों तरफ से कंप्लीट कर सकते हैं एक सर्कल। तो मैं अभी फ्रंट कैमरा स्विच करता हूँ, आपसे दो मिनट के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें करता हूँ। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको अच्छे से पूरा व्यू मिल रहा है बुर्ज खलीफा में कि इधर क्या है, नीचे क्या है, पीछे क्या है, आगे क्या है। मैं आपको सारा का सारा दिखा रहा हूँ लेवल 148, 125, नीचे जाएंगे 124 पे। उसके बाद मैं आपको नीचे लेक साइड से भी कुछ व्यू दूंगा। और यहाँ पे ये है कंप्लीट सीन, आगे चलते हैं यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो और नज़ारा है वो कैसा है। और जो कंप्लीट रिकॉर्डिंग हो रही है वो हो रही है सैमसंग गैलेक्सी S8 के फ्रंट एंड रियर कैमरा, डिपेंडिंग कि मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। तो ये है कंप्लीट सीन, और यहाँ से चलने के बाद में चलते जाएँ इस पैसेज में, तो वापस से उसी सेक्शन पर आते हैं। नीचे वही व्यू है, और सामने वही सेक्शन है जहाँ से हमने एंटर किया था। मैं आपको भी दिखाऊंगा आगे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये जो है यहाँ पे कैमराज के लिए सेट है लोकेशंस, जहाँ पे आप फोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं और बाद में वो उसको एडिट करके आपको देंगे, जिससे ऐसा लगता है कि आप कभी बिल्डिंग की रेलिंग पे हैं, आप कहीं नीचे गिर रहे हैं, नीचे कूदने वाले हैं। और यहाँ पे वापस से नीचे का है लेवल 124, तो उस पर चलते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे आपको इस लेवल से ओपन के अंदर क्या व्यू देखने को मिलता है। दोस्तों ये लेते हैं स्टेयर्स और नीचे जाते हैं लेवल 124 पे। ये कुछ ओपन है, कुछ जो है वो है कवर्ड। और यहाँ पे नीचे आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो व्यू है वो कैसा है। और नीचे कुछ 15-20-25 के आसपास स्टेयर्स हैं, क्योंकि जो फ्लोर हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। और ये नीचे उतरने के बाद में हम आ गए हैं लेवल 124। यहाँ पे भी आपको पहले तो इंडोर ऑप्शन मिलेगा, उसके अलावा आउटडोर ऑप्शन भी है। तो एक बार पहले आपको इंडोर ऑप्शन दिखाता हूँ चारों तरफ से घूम के। सेम चीज़ें नीचे भी हैं जो ऊपर थी। आपको यहाँ पे जो मिलता है ऑप्शन बैनकुलर वगैरह का, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो पॉइंट्स हैं जहाँ से काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं। और उसके बाद में हम निकलते हैं साइड से सामने बाहर, और नीचे वही सेम व्यू है। बेसिकली आप चारों तरफ से आके इसको जितना टाइम आपको मन करे आप उतना टाइम इसको एंजॉय कर सकते हैं। बेसिकली जो स्टैंडर्ड टिकट है वो है लेवल 125 और 124 की। आपको 148 के लिए एक्स्ट्रा टिकट एक परचेज़ करना होता है, मतलब वो एक दूसरा लेवल होता है टिकट का। अगर आप वो परचेज़ करेंगे तो उसके अंदर आपको तीनों फ्लोर्स की एक्सेस मिलती है। उसमें आप कुछ टाइम ऊपर स्पेंड कर सकते हैं 148 पे, उसके अलावा आप कुछ टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं इनमें, जितना आपका टाइम आपका मन करे। तो ये है कंप्लीट सीन, वही सामने सुवेनियर शॉप बहुत सारी, और जो फ़ोटोज़ आपने क्लिक करवाई हैं वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी फ़ोटो के लिए इधर सेट है जो ग्रीन क्लॉथ वाला है, जहाँ पे आप अलग अलग पोज देंगे तो वो बाद में एडिट करके आपको फ़ोटोज़ देंगे। और ये है कंप्लीट सीन, कंप्लीट सिनारियो। बाहर चल के भी आपको दिखाता हूँ एक बार खुले से, लेकिन यहाँ पे ये तो आप देख चुके हैं यार बहुत बार बेसिकली चारों तरफ, तो अभी बोर नहीं करता हूँ, सीधा बाहर चलते हैं और आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ मैं कि आउटडोर जो है वो कैसा है। यहाँ पे सारी बुर्ज खलीफा मर्चेंडाइज़ है बहुत सारी, आपको हर एक चीज़ के ऊपर बुर्ज खलीफा के नाम मिलता है। और ये जो है ये एलिवेटर के लिए क्यू सिस्टम है, जब रश बहुत ज़्यादा होता है तो आपको इन क्यूज़ में लग के जाना पड़ता है। यहाँ से बेसिकली ये एलिवेटर्स हैं, लेकिन अभी एकदम खाली पड़ा है तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वरना ये जो है ये काम में आते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट है ये किस चीज़ का है, ये देखो ये जो सर्टिफिकेट है ये है लार्जेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर, जो टॉलेस्ट है वो है बुर्ज खलीफा, 828 मीटर्स इसकी हाइट है। उसके अलावा ये जो है ये टॉलेस्ट बिल्डिंग, तो जो दोनों चीज़ें हैं वो ये टॉलेस्ट बिल्डिंग का रिकॉर्ड है, और ये जो है ये है टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो हाइट है वो 452 मीटर है जहाँ पे हम करंटली खड़े हैं, तो हम करीब इससे 100 मीटर ऊपर थे जहाँ पे हम गए थे लेवल 148 पे। वापस से वही नज़ारा है चारों तरफ का। उसके अलावा यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ अगर बाहर निकल के तो जो सीन है वो कैसा मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत सारे डोर्स मिलते हैं, ऐसे छोटे सेक्शंस हैं, आगे भी हैं बहुत सारे डोर्स इस तरह के नीचे। ये वापस से वही ऑप्शन आ गया है लेवल 125 जहाँ से हम नीचे आए थे, तो यहीं से आप वापस ऊपर भी आ सकते हैं। जितनी बार आपका मन करे आप ऊपर नीचे आओ, घूमो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन होती है किस चीज़ की। और बेसिकली यहाँ से बाहर आके देखते हैं कि जो ऑप्शन है वो कैसा है।
तो यहाँ से हम निकलते हैं अभी, और जो बाहर का ऑप्शन है वो इतना अच्छा नहीं, बिकॉज़ बहुत गर्म होगा। ओह, ये जो हीट है ये बहुत ज़्यादा है वाकई में। लेकिन मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ से, तो दिस इज़ द ऑप्शन, और यहाँ पे अभी ये मेरा हाथ जो है ये खुले में है, और ये है कंप्लीट सीन एकदम ओपन से। आपको और दिखाता हूँ आगे, तो ये है सीन। और ऊपर देखो तो टॉप तो बहुत ऊपर है, वो हम यहाँ से नहीं देख पाएंगे, वो देखेंगे हम दूसरे एंगल से। तो यहाँ पे आप आ सकते हो इस तरीके से, और इसमें बोला है कि फॉर योर ओन सेफ्टी आप ज़्यादा हाथ बाहर मत निकालो। तो इतना ही है कि आप हाथ बाहर निकाल नहीं सकते, टेक्निकली आपका हाथ जा सकता है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो आप इसके अंदर से ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। जो डिस्टेंस है वो सिर्फ इतना सही है। तो ये है सीन, और नीचे यहाँ पे आप बैठ के फ़ोटोज़ एंजॉय कर सकते हैं आराम से अपनी। और यहाँ से अगर मैं दिखाऊँगा आपको तो ये इस तरीके से आपको कुछ व्यू मिलेगा। और यहाँ से ये देखो, ये इसकी अभी हाइट इतनी और बाकी है। जो मेन स्पायर है वो तो ऊपर है, बहुत ऊपर, और हम ऊपर कहीं थे और यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं। बीच में ये जो है ये ऑब्जर्वेशन डेक है, और उसके बाद में नीचे जो है वो तो सीधा ग्राउंड फ्लोर। उसके बाद में यहाँ पे और आगे आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है सीन। ये इस तरफ से है, तो बेसिकली इतना 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 जो सेक्शन है वो है ओपन का। और फाइनली आगे से हम वापस अंदर घुस जाते हैं, बिकॉज बाहर जो है वो बहुत टेम्परेचर है, बहुत ह्यूमिडिटी है अभी। और फाइनली हम यहाँ से अंदर जाएंगे। ये जो सीन है ये आपको अगेन जो मिल रहा है वो कुछ ऐसा है इस तरफ से, जहाँ पे ये आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो ये तो हम देख चुके हैं यार सारा बहुत बार। ओके, तो चलो यहाँ से चलते हैं नीचे। नीचे बोले तो अंदर, और अंदर बोल के हम जाएंगे नीचे, जहाँ से मैं आपको कुछ एक्सटर्नल व्यू दूंगा, और फिर फाइनली हम बाहर चले जाएंगे। तो ये है सीन। ये एलिवेटर्स हैं जहाँ से आप नीचे जा सकते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। मैं भी अभी करने ही वाला हूँ, लेकिन आपको एक बार एक फाइनल लुक दे देता हूँ। और ये थे बेसिकली वो जो LED लैंप्स जिनकी मैं आपसे बात कर रहा था, जो नीचे से लेके ऊपर तक आपको मिल रहे हैं ना, ये LED लैंप्स हैं जो जलते हैं जब भी कोई शो होता है यहाँ पे। और ये है देखो दुबई मॉल कम्प्लीट, ऑलमोस्ट कम्प्लीट, पूरा तो ये भी नहीं दिख पा रहा है आपको, लेकिन ये है द ऑलमोस्ट कम्प्लीट दुबई मॉल। और यहाँ पे ये आपको इसी की बुर्ज खलीफा की शैडो देखने को मिल रही है, और वो नीचे लेक है। अभी अपन चलते हैं नीचे जाके इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से मैं आपको ऊपर का बेसिकली ये वाला पॉइंट, कहाँ गया मेरा फिंगर कहाँ गई, ओके ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे जाके मैं आपको ऊपर का नज़ारा दिखाता हूँ कि आपको ऊपर का नज़ारा कैसे देखने को मिलता है। क्योंकि अभी शैडो जो है वो आ चुकी है बुर्ज खलीफा की, इसके पीछे सन होगा, तो काफ़ी आपको अच्छा व्यू मिलने वाला है। तो ये आ गई हैं एलिवेटर्स हमारे, और हम यहाँ से चलते हैं अभी नीचे सीधा ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये सारे लोग तो अभी ऊपर आए हैं और हम सभी जाते हैं नीचे, और जब नीचे जाएंगे तो वापस से वही सीन होने वाला है, रिवर्स इफेक्ट, क्योंकि जो प्रेशर है वो बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। और इसमें आए, इसमें आए, आए 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 वापस से, और ये सीन है इधर जो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कितना फास्ट जाने वाला है। लाइट्स अभी होंगी ऑफ, और लाइट्स ऑफ होते ही आपको वही सेम एक्सपीरियंस वापस मिलेगा। 124 से नीचे काउंटिंग स्टार्ट होने वाली है, लाइट्स ऑफ, एंड देन ये आपको मिलता है एक्सपीरियंस वापस। जो ये है ये आप अगर अभी टाइम भी करेंगे तो लेस देन अ मिनट और 124 फ्लोर्स आप कंप्लीट कर लेंगे। तो ये चारों तरफ जो है सीन ऐसा है कुछ एलिवेटर का, काफ़ी मेस्मराइजिंग है। और यहाँ पे ऊपर 120 सेकेंड फ्लोर पे, यानी कि 122वें फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है एटमॉस्फियर। तो वो है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट, या बेसिकली मैं बोलूँगा तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिचुएटेड रेस्टोरेंट। और नीचे हम आ गए हैं 54321, मतलब इतनी तेज़ तो आप गिनती भी नहीं गिन पाएंगे, उल्टी जितनी तेज़ यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो घट रहे हैं। तो ये आ गया है नीचे, और सामने जो लाइट्स हैं वो काफ़ी कमाल की हैं चारों तरफ बेसिकली। और ये हम नीचे आ ही गए हैं, ऑलमोस्ट टाइम हो गया 3:21, ऊपर गए थे तो करीब उस टाइम के था 2:30 के आसपास, तो एक घंटा ऊपर टाइम स्पेंड किया है पूरा का पूरा, जहाँ पे तीनों फ्लोर्स मैंने आपको दिखाए। और यहाँ पे हम आ गए हैं ग्राउंड, और सामने अभी डोर्स ओपन होंगे और बाद में हो जाएगा हमारा एग्जिट। तो ये हम आ गए बाहर, और ये है सामने एग्जिट, इधर यहाँ से निकलेंगे हम बाहर। ओके, तो ये, और फिर वापस से उतना ही लंबा रास्ता जितना हमको आने में लगा उतना अभी लगेगा जाने में, और चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। बेसिकली ये जो सेक्शन था
उस तरफ से जो लोग थे वो आ रहे थे और हम अभी इस तरफ से जा रहे हैं, तो वो है कंप्लीट सीन सामने। और यहाँ से आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मिलेगा बुर्ज खलीफा का जो आपको दिखाने वाला हूँ अभी। तो क्या है सीन, वापस से चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और साइड में यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग आपको फिगर्स देखने को मिल रही हैं कि कैसा बना, फिर आगे अगले साल क्या हुआ, फिर उसके अगले साल क्या हुआ। और यहाँ पे ये लोग जिन्होंने बनाया इस बुर्ज खलीफा को। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि सैमसंग जो है वो कॉन्ट्रैक्टर था यहाँ पे। तो सैमसंग जो है उसका काम कंस्ट्रक्शन में भी होता है, सिर्फ मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप नहीं बनाता है, आपके लिए टीवी भी बनाता है। तो यहाँ पे ये जो है ये फाइनली बना और इसका इनॉग्रेशन हुआ फाइनली 2010 में 4 जनवरी को। और ये है आपको कंप्लीट डिज़ाइन, जहाँ पे आपको नीचे एंट्रेंस में कहाँ पे क्या सीन है वो देखने को मिल रहा है। और ये हो गया है बुर्ज खलीफा कंप्लीट। यहाँ से मैं आपको अगर दिखाऊँगा तो आपको इधर एकदम एज पे है तो देखने को नहीं मिलेगा शायद, लेकिन वो सामने जो सेक्शन है वो है लेक का, तो वहाँ पे भी चलते हैं और आपको सीधा वहीं दिखाता हूँ कि क्या है कंप्लीट सीन। दोस्तों फाइनली ग्राउंड, और आपको दिखा दिया सारा कुछ क्या क्या है। इधर वापस से फ़ोटो उन लोगों की जिन्होंने इसको बनाने में मदद करी। यहाँ पे नीचे आपके पास में ऑप्शंस हैं, आप बैठ सकते हैं बेंचेस पे, उसके अलावा स्क्रीन्स हैं तो वो आप इंटरेक्टिव इन्फॉर्मेशन जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल्स वगैरह। साइड में आपको वही बुर्ज खलीफा की कंप्लीट स्टोरीज देखने को मिलती है कि कब बना, कैसे बना। करीब 6 साल में कंप्लीट हुआ था और वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग है। और मैं आपके लिए ऐसे ही दुबई के ना जितने भी अट्रैक्शंस हैं वो एक एक करके कंप्लीट करने वाला हूँ। आपको सारे का जो व्यू मिलेगा वो मिलेगा एकदम ऐसे बंदे से जो दुबई में ही रहता है, जिसको मालूम है यहाँ के बारे में कुछ, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा एज अ टूरिस्ट नहीं, एज अ रेजिडेंट, कि कहाँ पे क्या कैसा बढ़िया एक्सपीरियंस है, आप कैसे कहाँ पे क्या एंजॉय कर सकते हैं, जो कंप्लीट प्रोसेस है वो क्या है, और कैसा आपको बेसिकली एक फर्स्ट पर्सन व्यू मिलेगा अगर आप कहीं भी आने वाले हैं तो वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक इंटरेस्टिंग टाइमलाइन कि ये कैसे बना बेसिकली। तो यहाँ पे जो सीन है वो कुछ ऐसा है कि विजन क्या था इसको बनाने का, उसके बाद में आगे चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो ये जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ कैसे हुआ, उसके बाद में अचीवमेंट जब कंप्लीट हो गया डन, तो ये आपको सामने एक बहुत ही लंबे स्क्रीन के फॉर्म में ये मिला मेरे को भी चलते हुए, तो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे आना इतनी बार हो पाता है कि जब भी कोई गेस्ट आता है इंडिया से, जब भी कोई फ्रेंड आता है तो उसके साथ में चलो बुर्ज खलीफा उनको दिखाने के लिए चलना है। मतलब वही बात है जैसे अगर आपके सिटी में कुछ लोकल होता है अट्रैक्शन देखने का, तो वहाँ पे आप इतनी बार जा चुके होते हैं कि आपको लगता है कि यार यहाँ पे तो मतलब हमने सब कुछ देखा हुआ है। तो मैं अभी आपको दुबई में वही सब चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो मैंने देखी हुई है पिछले इतने सालों में, लेकिन अब मैं इनको कैमरा में कैप्चर करने वाला हूँ और आपको एकदम रॉ एक्सपीरियंस मिलेगा बिना किसी मैं बोलूँगा तो टाइम लैप्स के, क्लिपिंग्स वगैरह के, कि एकदम रॉ एक्सपीरियंस क्या है अगर आप विजिट करते हैं। और फाइनली हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे, आपको याद है हम ऊपर आते हैं, ऊपर आए थे, अभी हम जा रहे हैं नीचे। और बाहर हमारा जो एग्जिट पॉइंट है वो वही पॉइंट है जो हमारा एंट्री पॉइंट था, उसके साइड से बस हम निकल जाएंगे बाहर एग्जिट। आपने जो ऊपर फोटोज़ क्लिक करवाई, अगर आप कभी आते हैं अगर आप फोटो क्लिक करवाते हैं तो वो आपको नीचे यहीं जब एग्जिट होते हैं तो उसके पास में आपको सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आपकी फोटो अगर आपको पसंद आती है तो कलेक्ट करो, पैसा दो, वरना मत करो। ऊपर जितना मर्जी फोटोज़ हैं वो आप पोज़ देके क्लिक करवा लो। और ये है कम्प्लीट नज़ारा, आगे चलते हैं। सामने लिखा है एग्जिट टू दुबई मॉल, वही है इसका एग्जिट का रास्ता। और ये बेसिकली फायरवर्क्स की फ़ोटो देखने को मिल रही है। जो फायरवर्क्स हैं वो तो बहुत कमाल होते हैं यहाँ पे। आपको अगर मालूम ना हो तो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इनका भी है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फायरवर्क्स, जो होते हैं हर साल न्यू ईयर पे और हर साल पिछले साल से बड़े होते हैं। और सामने वापस से मैं आ गया हूँ टनल में जो कि है काफ़ी डार्क, आगे चलते हैं। और डार्क का मतलब इसलिए क्योंकि यहाँ पे सामने स्क्रीन्स वगैरह लगे हैं, तो इसी की आपको हिस्ट्री देखने को मिलती है कि कब बना, कैसे बना, क्या वो ना, मतलब एक बार अगर आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको सेम चीज़ 15 जगह पे देखने को मिलेगी अलग अलग फॉर्मेट्स में। कहीं पे ग्राफिक्स हैं, कहीं पे ऑडियो है, कहीं पे विजुअल्स हैं तरह तरह के, तो वो आप एंजॉय कर सकते हो। बस अभी सामने थोड़ा सा आगे चलने के बाद में बाहर निकल जाएंगे। ये जो ग्लास है मेरे साइड में बेसिकली, ये जो ग्लास है तो इसके उस तरफ जो है वो आने के लिए रास्ता है और इस तरफ से हम बाहर जा रहे हैं, बाहर जाते हैं। आपको बाहर से व्यू दिखाता हूँ और उसके बाद में हम इस वीडियो को एंड करते हैं। सामने बाहर निकलने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस में लिखा है बाय बाय, बेसिकली गुड बाय, तो उसमें हिंदी में अगर आप बोलते हैं तो ये होता है अलविदा। और ये यहाँ पे तो हो गया, और यही वो सेक्शन था जहाँ से हमने एंटर किया था अगर आपको याद ना हो तो। ये हम इस तरफ से एंटर किया था हमने, और यहाँ से भी हम निकल रहे हैं बाहर, बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पे आपको पीछे मिलते हैं बहुत सारी फ़ोटोज़ जो अगर आपने क्लिक करवाई हैं तो उनकी एडिटिंग होने के बाद में वो कुछ इस तरीके से क्लिक हो जाती हैं, तो वो आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। और सामने जो है वो कुछ और सुविनियर्स हैं जिनको देखने के बाद में हम बाहर निकल जाएंगे। और ये नीचे वापस से वही इस टाइप की शॉप्स जो हमने ऊपर देखी थी,
और फाइनली ट्रिप कंप्लीट, बुर्ज खलीफा डन। अभी ऊपर नहीं आ सकता वापस क्योंकि टिकट जो है वो एक बार यूज़ हो चुका है। लेकिन अभी हम ऐसे चलते हैं बाहर और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर चल के जो नज़ारा है वो कैसा है। और बेसिकली यही था वो टिकटिंग काउंटर जो उस टाइम पे खाली था, इस टाइम पे अभी यहाँ पे रश है और लोग अपनी टिकट्स ले रहे हैं, उस तरफ से एंटर कर रहे हैं, हम इसको इस तरफ से बाहर निकल रहे हैं। अब बाहर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा कि कैसा है। कैमरा करता हूँ स्विच और जाएंगे सामने फर्स्ट पर्सन व्यू में। दोस्तों ये तो था टिकटिंग काउंटर, ये वो पॉइंट जहाँ से हमने अंदर एंटर किया, ये वो पॉइंट जहाँ से हम बाहर निकले। और ये बेसिकली नॉर्मल शॉप है जहाँ पे आप सुविनर्स खरीद सकते हैं। अगर आपको ऊपर नहीं भी जाना है बुर्ज खलीफा पे तो भी आप वो सभी चीज़ें यहाँ से परचेज कर सकते हैं, बुर्ज खलीफा वाले ब्रांडिंग वाले जो भी आपको मिलते हैं, टी शर्ट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें। और फाइनली यहाँ पे इधर तो कम्प्लीट दुबई मॉल का नज़ारा है, यहाँ से हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। यहाँ से आप जा सकते हैं आगे फर्दर मॉल में, और लाइक बहुत बड़ा मॉल है यार, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है। लेकिन अभी हम चलते हैं यहाँ से इस रास्ते से बाहर जो हमको लेके जाएगा लेक की तरफ, जहाँ पे मैं आपको बुर्ज खलीफा का एक एक्सटर्नल व्यू दूंगा और हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं एक वीडियो में सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ ही आपको दिखाने वाला हूँ, और हर एक वीडियो में आपको कुछ नया कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो ये हम जा रहे हैं साइड में इस रास्ते से जो बहुत ही एक शॉर्टकट रास्ता है, और मैं आपको बाद में आने वाली वीडियोस में ना मतलब एक एक वीडियो में सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बताऊंगा कि हाँ ये है, कैसा है, क्या है, कब है, और उसके बाद में आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। तो ये हम आ गए अंदर, वो पीछे सामने आपको मिलेगा आगे दुबई मॉल। फर्दर अगर आप जाएंगे, बाहर धूप बहुत ज़्यादा है यार, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। ओके, लेंस पे फॉग आई थिंक ना आए, हल्का सा आया है तो मैं उसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ओके, तो ये हम आ गए हैं बाहर, हम आ गए हैं नीचे, और वही पॉइंट है जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर से कि हम कहाँ जाने वाले हैं। और हम आ गए हैं यहाँ पे, और जो बुर्ज खलीफा है वो है इस तरफ, ये रहा। तो ये बुर्ज खलीफा है, ये दुबई मॉल का जो एक्सटेंशन बन रहा है वो है, और ये जो है सामने ये लेक है जहाँ पे आपको मिलते हैं म्यूज़िकल फाउंटेन्स जो वर्ल्ड्स हाइएस्ट हैं। तो ये कंप्लीट शाम के टाइम पे तो भर जाता है सेक्शन, ये दुबई मॉल है पूरा का पूरा। तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट सामने है जहाँ पे आप वहाँ से बाहर आ सकते हैं, ये एड्रेस होटल मैंने आपको दिखाया था ऊपर से, और इधर अगर घूमूंगा तो ये बन जाएगा सामने आपका बुर्ज खलीफा। सूरज जो है वो एग्जैक्ट अभी यहाँ पे है, और सॉरी मुझे खुद को छींक आ गई। तो ये आपको ऊपर जो है ये इसका टॉप दिख रहा है, हम यहाँ पे कहीं थे किसी सेक्शन में और बाद में आ गए हैं वापस नीचे। तो ये है कंप्लीट सीन, और यहाँ पे ये जो आपको यूनिट्स दिख रही हैं ये सब के सब स्पीकर्स हैं, और यहाँ पे पूरा पैक होता है इस टाइम पे, मतलब शाम को करीब 6 बजे से जो फाउंटेन से उनका शो स्टार्ट होता है, उसके बाद में हर आधे घंटे में होता है 6:30, फिर 7:30 वगैरह, रात को करीब 10 बजे तक। और यहाँ पे पूरे लोग जमा होते हैं, और जो बेस्ट व्यू आता है वो आता है उस तरफ से, बिकॉज आपको साइड में ना वहाँ से लेके यहाँ तक जितने फाउंटेन्स हैं वो आपको पूरे देखने को मिलते हैं। तो ये है कंप्लीट सीन, सामने है सूकल बहार, यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जहाँ पे आपको फाउंटेन व्यू मिलता है अगर आपको भी शाम को आएंगे। तो मैं आपको सभी चीज़ें दिखाता हूँ, अभी जल्दी से क्विक फ्रंट कैमरा मैं स्विच करता हूँ, उसके बाद में बस इस वीडियो को अपन अभी ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों ट्रिप ओवर, मुझे काफ़ी पसीना आ रहा है बिकॉज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है बाहर, और वही सीन वही बातें जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और पर्सनली अगर आप कभी आएँ तो दुबई आने के बाद में ये वाली एक फोटो लेना बनता है, अगर आप सेल्फी लेंगे, अदरवाइज तो आपकी फोटो भी क्लिक कर सकता है यहाँ पर अगर आप खड़े होते हैं सामने ना इस पॉइंट पर, तो यहाँ से आपको बुर्ज खलीफा की बहुत ही अच्छी फोटो आती है। यूँ अगर आप लेंगे तो आपके पीछे फ्रेम में ऐसा कवर होता है बुर्ज खलीफा, और कंप्लीट अभी एरिया खाली पड़ा है बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, कोई भी नहीं है यहाँ पे, शाम को काफ़ी रश होगा। और आपको आगे चल के मैं ऐसी और वीडियोस दिखाने वाला हूँ दुबई के अलग अलग अट्रैक्शंस जितने भी होंगे, हर हफ्ते आपको कुछ नया मिलेगा यहाँ पे इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। और सब्सक्राइब करने के अलावा जो बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है वो है उस टन 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 वाले घंटे को दबाना, जहाँ पे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे बहुत ही जल्दी, और आप सब कुछ देख पाएंगे कि दुबई में अगर आप कभी भी आने का प्लान करते हैं तो कहाँ पे क्या है, कैसा है, क्यों है, कितने का है, कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सभी आपको मिलेगा आने वाली वीडियोस में। दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।